ये है आर्क, एक खूबसूरत सा डायनासोर वर्ल्ड। हजारों सालों से इस वर्ल्ड में इंसान और डायनासोर साथ में मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन इंसानों की लालच ने और घमंड ने ये सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इंसान अमर बनना चाहते थे। अमर बनने की कोशिश में इंसानों ने काफी ज्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग वायरसेस बनाए। उसमें से एक वायरस का नाम था टी वायरस, जो कि काफी खतरनाक वायरस था। साइंटिस्ट का मानना था ये वायरस इंसानों को अमर बना सकता है। अमर बनने के लालच में इंसानों ने इस पूरे वायरस को हवा में फैला दिया, ताकि हर एक इंसान यहाँ पे अमर बन सके और कभी ना मरे। इस वायरस ने अपना काम तो करा, इस वायरस ने इंसानों को अमर तो बना दिया, लेकिन उस वायरस ने इंसानों की उनकी खुशियां, उनकी फीलिंग्स, उनके सारे के सारे दर्द छीन लिए और इंसानों को अमर बनाने के साथ साथ यहाँ पे ज़ोंबी में बदल दिया। अभी इस आइलैंड पे हर तरफ आपको सिर्फ ज़ोंबी ही ज़ोंबी दिखाई देंगे। कुछ डायनासोर इस वायरस के कांटेक्ट में आते ही तुरंत मर गए और कुछ डायनासोर यहाँ पे ज़ोंबी डायनासोर में कन्वर्ट हो गए। इस आइलैंड पे अभी हर तरफ सिर्फ ज़ोंबीज का और ज़ोंबी डायनासोर का राज चलता है और इस आइलैंड पे सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है। लेकिन इस वायरस की चपेट में कुछ लोग आ नहीं पाए। इस वायरस से कुछ लोग इम्यून थे, जिनके ऊपर इस वायरस का असर नहीं हुआ, और अभी इस ज़ोंबी वर्ल्ड में उन लोगों को अकेले सर्वाइव करना पड़ रहा है। लेकिन इन ज़ोंबी से भरे हुए वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो डायनासोर हमारे साथी थे वो भी हमारे ऊपर अभी अटैक करने लग गए, वो भी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुके हैं। उस रीजन से इस ज़ोंबी वर्ल्ड में इंसानों का सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मिलिट्री ने इस वायरस को रोकने के लिए काफी ज्यादा अलग अलग तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर पाए, मिलिट्री भी इस वायरस के चपेट में आ गई। अभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर, उनकी सबमरीन और भाई जो भी उनके इक्विपमेंट थे वो इस वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। अगर वो हमको मिल जाते तो ये वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये टी वायरस इवॉल्व हो रहा है। टाइम के साथ साथ जो ज़ोंबीज थे वो खुद को इवॉल्व करके और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं, और जो बचे कुचे इंसान है इनके पास खाने पीने की काफी कमी है, उस रीजन से वो काफी ज्यादा वीक बनते जा रहे हैं। और ज़ोंबीज हमारे ऊपर रात में ज्यादातर करके झुंड में हमला करके सारे इंसानों का नामो निशान इस मैप से मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन हम जैसे तैसे करके इस ज़ोंबी से बने हुए वर्ल्ड में सर्वाइव करने वाले, और क्या पता आगे जाके कौन कौन सी वॉल ज़ोंबीज का सामना हमको करना पड़े। तो गाइज, क्या हम इस ज़ोंबी वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे? यहाँ पे हम किसी डायनासोर को टेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम डायनासोर यहाँ पे मर चुके हैं और जो बचे कुछ डायनासोर है वो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो गाइज, क्या इस ज़ोंबी वर्ल्ड में हम सर्वाइव कर पाएंगे? इन बाय मॉन्स्टर से, ज़ोंबी से हम पंगा लेके क्या इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे, जो कि नामुमकिन है? ये जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस सीरीज में जरूर बने रहना। और गाइज, यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे हो गाइज, जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। जरूर से तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग विद आड़ी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिनके चैनल पे आर्क मिथिकल मैजिकल वर्ल्ड की सीरीज चालू है, वो भी जरूर देख लेना, और हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले गाइस, हमारी जो जर्नी है खतरों से भरी हुई इस ज़ोंबी वर्ल्ड में हम बिना किसी देरी के शुरू कर दे और देख दे कि हमारा सामना इस ज़ोंबी वर्ल्ड में कौन कौन से ज़ोंबी से होता है, और क्या हम इस ज़ोंबी वर्ल्ड में इस टी वायरस का तोड़ निकाल पाते कि नहीं, वो तो आपको आगे जाके जर्नी में पता चली जाएगा। तो चलिए गाइस, कर दे खतरों से भरी हुई हमारी ये जर्नी बिना किसी देरी के शुरू। वेलकम टू ज़ोंबी वर्ल्ड। सो गाइस,
गाइस स्वागत है आपका ज़ोंबी वर्ल्ड 2.0 में। गाइस ज़ोंबी वर्ल्ड 2.0 में हमने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि ज़ोंबी किलर जो रोबो है ना गाइस, उसको बनाने का काम हमने पिछले एपिसोड में करा था। और ये जो ज़ोंबी किलर रोबोट है ना गाइस, आई आई इसके ऊपर देख रहा कैसा बट रहा है दोबारा भाई। इससे जो ना गाइस हम किसी भी ज़ोंबी की जो ना गाइस बड़े आराम से बैंड बजा सकते हैं। मैं आपको इसका भाई डेमो जो ना गाइस वापस से आपको दिखा देता हूं गाइस, ठीक है। वेट अ मिनट भाई, मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूं। मेरे घर के बाहर कुछ ज्यादा ही ज़ोंबी जो ना गाइस उंगली करने के लिए आ चुके हैं। हेलो, इसको वेट कब से होने लग गया भाई? अबे यार ये रोबो ओवर वेट हो गया भाई। वेट अ मिनट, मेरे इन्वेंटर में काफी ज्यादा फालतू का सामान है ना गाइस, उस रीजन से गाइस वो भाई रोबो जो ना गाइस ओवर वेट हो चुका है भाई। रुक जाओ रुक, सारा फालतू का सामान जो ना गाइस इसके अंदर वापस से डाल ले। तो ऑयल बहुत सारा पड़ा हुआ है यार, इसे गैसोलीन बनाने के लिए मैं डाल सकता हूँ गाइस, ठीक है वो भी कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ जाओ चलो, तो आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई जाने वाला है सबसे ज्यादा हार्ड बायोम ज़ोंबी वर्ल्ड का, उस बायोम में। और उस बायोम में जाके हम फुल्लू दबाए मचाने वाले हैं। अबे आप बोलोगे सबसे हार्ड बायोम कौन सा है भाई, तो मैं आपको भाई बता नहीं दिखा भाई दिखा ही देता हूँ डायरेक्टली भाई, बताता नहीं मैं डायरेक्टली आपको जाके वहां पे दिखाऊंगा कि सबसे हार्ड बायोम कौन सा होता है। अभी फिलहाल के लिए अपने घर के बाहर जो ज़ोंबी ज़ोंबी भाई घूम ले ना भाई, इन ज़ोंबीज के बैंड बजाने का टाइम आ चुका है। हेलो कहीं चले बाबा, लाड में आ रहा है क्या ब्रो? ओ स्त्री कला नकल भाई खत्म। कौन किसको चुल मचे बताओ? बहुत दहल क्या? नो एमो, एमो खत्म है इसका गाइज, एमो खत्म, एमो खत्म भाई, गाइज एमो खत्म हो गई यार। अबे यार एमो खत्म हो गई भाई, ए रुको, अरे 250 का डैमेज, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, इसके आगे ए डोंडू जस्ट चिल ना मेरे बच्ची। क्या लाड में आ रहा है क्या? लाड में आ रहा है क्या? और किसको चुल मची है? अंडा, ज़ोंबी अंडा। अच्छा डिलोवर का बर्क लगा, ज़ोंबी अंडा कब से देने लग गया भाई? किसको और चुल मची है बताओ भाई। चलो तो गाइस आज के इस एपिसोड में जो ना कि चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, हम जाने वाले गाइस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बायोम में, जो कि है गाइस स्वाम बायोम। उस बायोम में अभी आप बोलोगे स्वाम बायोम में जाने की क्या जरूरत है भाई, तो गाइस स्वाम बायोम में हम इसलिए जा रहे ताकि हम वहां से ना प्लांट जेड या फिर प्लांट एक्स करके कोई चीज एक होती है उसकी सीड जो ना गाइस वो लेके यहाँ पे आ सके। एक बार वो सीड मैंने ला ली ना तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा टावर बना लूंगा एंड उसके ऊपर जो ना क्रॉप प्लॉट भी प्लॉट लगा के जो ना गाइस यहाँ पे अपना जुगाड़ कर लूंगा पानी पीने का भाई, ठीक है। उससे जो ना गाइस क्रॉप प्लॉट से मतलब वो क्रॉप प्लॉट लगाने के बाद जो ना गाइस जो ज़ोंबीज अपने आजू बाजू आएंगे ना गाइस उनको मारने का काम वो प्लांट्स करेंगे। अभी देखना टेरेट टावर में बना सकता हूँ, टेरेट टावर का सीन क्या, उसके अंदर बुलेट डालो, फलाना डालो, ढिनाला डालो, यहाँ पे जो हम भाई क्रॉप प्लॉट लगाने वाले जो भाई प्लांट अपन लेके आने वाले ना उसमें सिर्फ हमको फर्टिलाइजर डालना है और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ जो है ना गाइस वो प्लांट खुद संभाल लेंगे। तो वही काम जो ना गाइस आज अपन करने वाले। एंड मैं थोड़ी सी यहाँ पे एमो बना के डाल देता हूँ, फ्लेम थ्रोवर के एमो किसी खत्म हो गए भाई इसके आगे, इधर फ्लेम थ्रोवर हमें ना भाई, ये ले बेटा गैसोलीन की कमी पड़ रही है भाई, व्हाट इज दिस भी, और गैसोलीन की कमी पड़ी नहीं सकती, लिख के ले लो भाई 5000 बनाने के लिए डालता, रुक जाओ। और गैसोलीन इसके अंदर नहीं है क्या? गैसोलीन तो भाई यार 3000 बना हुआ है फिर भी भाई ले नहीं रहे यार ये लोग, और सारा मेटल जो है गाइस वो एक दिन में पूरा का पूरा पिघल चुका है गाइस, ठीक है। ले बेटा गैसोलीन ले ले, ये भाई 5000 और गैसोलीन ले ले, चल ले बेटा डन, 10 बना ले, टर्न ऑन, ये ले भाई और 10 बना ले, एक काम कर 100 बना ले, चल 100 बना ले इसके भाई, 86 बन रहा है ना भाई, फ्लेम थ्रोवर से जला के खाक कर देंगे अपन भाई, डरते क्या गाइज डरते क्या, लेट्स गो। ऑलराइट एंड थोड़ा सा फ्लेम थ्रोवर ना मेरे पास ले लेता हूँ मैं, एंड अभी जो है ना वॉर मेको में भाई थोड़ा सा अंदर ही लेके आ जाता हूँ, वरना कोई ना कोई इसको चिप डालेगा भाई, उसके अंदर ट्रैकर डाल रखा है ना, तो इस तरह से अपन उसको जो ना गाइस डायरेक्टली अपने पास बुला सकते हैं। अभी मेरे को क्या करना है गाइस, मेरे को फटाक से फटाक से जो ना गाइस यहाँ पे निकल लेना है। रुक जाओ, पीडी किधर है भाई अपना, अपना पीडी किधर है? वेट अ मिनट, ये रहा गाइस अपना पीडी, और अपन को पीडी को लेके जो ना गाइस जाना है स्वाम बायोम में, एंड वहां से जो ना गाइस अपन लेके आएंगे उस प्लांट जेड की सीड भाई। कौन आया भाई? अबे यार इन्फेक्टेड वाला डिलो है क्या? लग तो रहेगा इसकी, अरे यार ज़ोंबी लोग एक तो भाई ये दिख रहे हो गाइस, ये ज़ोंबी से बचने के लिए गाइस वो प्लांट लगाने पड़ रहे हैं मेरे को, बग भेज क्या भाई बार बार मेरे घर पे आ जाते यार, ये देखो 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 देखो, बग भेज क्या अंकल, लाड में रहोगे अंकल हैं? अच्छा इसको मारने से कुछ नहीं मिलेगा, अरे यार ज़ोंबी मेरा कुछ भाई इस जन्म में बिछाने छोड़ने वाले यार, ये देखो भाई ले बेटा, अबे यार अबे मार, अबे भाई हेलो, अब जब वो काट लेगा तब मार लेना मेरे को भेज क्या। चलो खत्म भाई, इसके पास कुछ मिल रहा है क्या? नहीं भाई, इसको डेड बॉडी पड़ी है गाइज। चलो आ जाओ अभी हमको जाने, अरे 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 पीटी क्या, पीटी को मारेगा बेस क्या, रुक जाओ बेस क्या, पीटी को मारेगा, लाड में आ रहा है डायरेक्टली, मुंह पे शॉटगन चिपका डाली गाइज इसके, उसके अंदर मिड भी है,
पता नहीं किसको मार के मिड हार्वेस्ट करा था इसने। आ जाओ चलो अभी तो जा सकता हूँ ना, सारा खतरा क्लियर है मेरे हिसाब से, सारा खतरा क्लियर है गाइस। और अभी अपन को जाना गाइस स्वाम बाग में, और वहां से प्लांट एग्स की जो सीड है ना गाइस वो लेके आनी है गाइस, ठीक है। तो आगे जो ना गाइस अपन एकदम मस्त वेगी जो ना गाइस यहाँ पे वो सीड से प्लांट ग्रो कर सके, और वो प्लांट से जो ना गाइस अपना बेस एकदम सुरक्षित रहेगा, कोई भी ज़ॉम्बी अपने भाई आजू बाजू नहीं भटकेगा। और ये ज़ॉम्बी वर्ल्ड का अपना मिशन क्या पता है क्या गाइस, तीनों की तीनों तीनों ने एक्चुअली में भाई जो सारे के सारे चार बॉसेज है, एक तो आई थिंक नहीं इसमें तो ब्रूड मदर ही बॉस है ना खाली, नहीं एक ब्रूड मदर है ना आई थिंक, एक ड्रैगन बॉस है और ओवर ना गाइज, और मेगा पिथिका, चार बॉस है गाइज। ये टोटल चारों के चारों बॉसेस को मारने का जो मिशन है ना गाइज वो अपना रहेगा, और चार बॉस जब अपन मार देंगे ना तभी अपना यहाँ पे जो ना गाइज ये जर्नी खत्म हो जाएगा। लेकिन उन बॉसेस को मारने के लिए जो ना आ जाओ चलो गाइज वर्ल्ड वॉर जेड, रेडियो गाइज मैं खुद रेडी नहीं हूं आपको बोल रहा हूं, रेडियो गाइज चलो आ जाओ, आ जाओ चल बेटा होम पे चल, होम पे चल, शॉटगन की एमो चाहिए होगी गाइज, ठीक है आ जाओ लेट्स गो। तबाही मचाने का गाइस टाइम आ चुका है, डरना बिल्कुल नहीं गाइस, डरना नहीं है, डरना नहीं, डरना नहीं भाई। अबे लैग हो गया क्या अचानक, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अरे यार बारिश आ चुकी है भाई, एक काम करो फ्लेक का असेंडेड आर्मर ही बना लेता मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी मेरी यहाँ पे ना अभी एकदम वर्ल्ड वॉर जेड पकड़ के चल लो गाइस होने वाली है अपनी गाइस, एकदम खतरनाक वाली। आ जाओ अबे यार अंकल, अच्छा एक काम कर ले भाई 10, हाँ भाई ये ले भाई, इसको भी बना, इसको भी बना, और हेलमेट भी बना ले भाई। शॉटगन की एमो कितनी बनेगी बताओ, शॉटगन के एमो 1000 बननी चाहिए भाई इसके अकेले, ये ले भाई 1000 एमो बड़े आराम से बन जाएगी। जब तक हम प्लेग का जो भाई सूट है ना गाइस उसको अपग्रेड करेंगे ना तब तक एमो बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक गन पाउडर बनाने के लिए डाल दी क्या मैंने, गन पाउडर बनाने के लिए डालने गाइस, रुक जाओ। ए भाई डबल डबल बना लिया क्या, चेस्ट पीस डबल है मेरे पास यार, चेस्ट पीस नहीं चाहिए भाई, एंड हेलमेट भाई, ठीक है शॉटगन की एमो बन रही है, मेरे को गन पाउडर बनाने के लिए डालने दो भाई। भाई ज़ॉम्बी लोग रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुमको चूल मच रहे ना मेरे बेस पे भाई, डायरेक्टली आके चुम्मी चुम्मी दे रहे हैं भाई, डायरेक्टली उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेस को। भाई क्या हुआ, गैसोलीन नहीं है क्या, अरे यार गैसोलीन इसके अंदर का खत्म है यार, ये ले टर्न ऑन डन 1000, ओके ठीक है। एंड ये भी ले ले बेटा, इसको नहीं बना सकता, स्पार्कोटो बना ले भाई, ये यहाँ से बंदर उसके ऊपर छेका भाई, अरे पॉटी कैसे फेंक रहा है भाई इतना खतरनाक तरीके से, रुक जाओ भाई उसको भी पेल देते अपन, पहले फ्लेक का आर्मर जो ना गाइस वो अपना अपग्रेड कर ले एकदम फुल, तो असेंडेड वाला बना डालेंगे गाइस, ठीक है। और इसको बार बार जो ना गाइस अपन को मतलब रिपेयर विपेयर करने की जरूरत नहीं, असेंडेड वाले को डायरेक्ट रिपेयर कर लेंगे। अरे आइटम अपग्रेड अपग्रेड हो जाएगा गाइस, ये फाइबर चाहिए क्या, अरे यार फाइबर तो मेरे हिसाब से मेरे पास ज़्यादा नहीं होगा गाइस, फिर मैं देख लेता हूँ गाइस, वेट अ मिनट यार फाइबर नहीं है भाई, एक काम करना भाई सिकल बना लेना यार, उससे भाई जल्दी जल्दी वो हो जाएगा ना गाइस, इसको अपग्रेडेड वाली बना डालूंगा एकदम फुल तो अपग्रेडेड वाली। चलो आ जाओ गाइस सिकल बना लेते हैं, एंड इस डे जो ना गाइस बर्बर के फाइबर लेके आएंगे, और आज होने वाले तुम्हारे भाई की गाइस वर्ल्ड वॉर जेड गाइस, ठीक है वर्ल्ड वॉर जेड भाई। ये ज़ॉम्बी की जो ना गाइस बैंड बजा के रखूंगा मैं भाई, तो जब पहले मेरे को इसको अपग्रेड करने दो, इसको अपग्रेड करेगा ना तो इससे भाई एकदम पटाक से भाई 10-20 हज़ार ऐसे मिल जाएगा मेरे को तो वो फाइबर। रुक जाओ गाइस ये ज़ॉम्बी कुछ ज़्यादा ही चुल मची, इन ज़ॉम्बीज़ को रुक जाओ। अरे कौन भाई भैंस गया किया तुम्हारे, किधर है ज़ॉम्बीज, किधर है ज़ॉम्बी भैंस गया, रुक जाओ किसको चुल मची है भाई, तुझे नाना ची तंगड़ी निकाल, और कौन है और कौन है बता, और कौन है भाई मेरे बेस के आजू बाजू आके भाई, ए छेद नहीं हुआ ना यहाँ पे, ओ नहीं 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 यहाँ से जा तो नहीं, अच्छा यहाँ से जा नहीं सकता बट रिपेयर की जरूरत है गाइज, ओके ज़ॉम्बीज मर गए यहाँ पे, चलो अच्छी बात है भाई, लाशी लाशी पीछा डाली यार अपन ने हर तरफ भाई पट्ट से। चल अंकल कल आना लेट्स गो, फाइबर भाई 2-3 हज़ार दे दे मेरे को, चल भाई 2000 तो खड़े खड़े मिल गया भाई, 4000 5000 भाई 10000 फाइबर लेके चलता। फ्लेक का आर्मर रिपेयर करने के लिए मेरे को पता नहीं, रिपेयर नहीं सॉरी अपग्रेड करने के लिए मेरे को पता नहीं गाइस कि कितना जो फाइबर है ना गाइस अपन को चाहिए होगा, 30000 इनफ रहेगा ना गाइस, मेरे हिसाब से 30000 इनफ रह जाएगा अभी फिलहाल के लिए, अपन ने 20000 जो ना गाइस उठा लिया भाई। भाई अंकल आंटी जी कल, हाँ कल चलो चलो चलो, लाड में आ रहे ज़ॉम्बी भाई, पट्ट से हेडशॉट भाई, असेंडेड वाली शॉटगन बना डाली है मैंने, 10000 और चाहिए मेरे को फाइबर गाइस, 10000 और चाहिए भाई। हो गया क्या, 6000 7000 8 9 एंड 10 डन 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 डन। चलो आ जाओ अभी घर पे टीपी मार दे डायरेक्टली, एंड वहाँ पे अपने फ्लेक के आर्मर को असेंडेड वाला बनाएंगे। अरे स्वाम भाई में उड़ उड़ के वापस जाना पड़ेगा यार, अरे लास्ट लोकेशन यूज कर लिया अपने, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, दबा के फाइबर मिला है गाइज, दबा के फाइबर मिला है गाइज, ये ले चलो आ जाओ फ्लेक वाला आर्मर एकदम फुल टू अपग्रेड भाई, फुल अपग्रेड गाइज, रुक जाओ गाइज। इन ज़ॉम्बीज की जो ना गाइज अभी यहाँ पे चुल मिटने वाले है भाई, अबे अपग्रेड करना क्या कम पड़ गया, क्या कम, कुछ नहीं कम पड़ा, चलिए भाई असेंडेंट वाला गाइस यहाँ पे अपना ये फ्लेक का आर्मर गाइस, ठीक है एकदम खतरनाक एंड ओपी वाला, ये लो गाइस हो गया असेंडेंट वाला, अब अभी बनने वाला है असेंडेंट वाला, अभी बनने वाला है गाइस,
हो गया गाइज, हो गया मेडल भाई 650 बचाएगा। इस मेडल की जरूरत बड़ी के लिए कराया मेरे को, मेडल खींच लेंगे गाइज। मेडल तो अपने पास भाई हजारों में पड़ा हुआ है गाइज, यहाँ पे असेंटेड वाला बन गया गाइज मैक्स टू मैक्स। थोड़ा सा मेडल चाहिए होगा ना, मेडल इनगर रुक जाओ, मेडल इनगर तो अपने पास गाइज बरबर के बड़े। मेडल इनगर डिरवी को कितना खींच लो बताओ, 30,000। ये लो गाइज 30,000 मेडल खींच लिया गाइज। इसमें तो भाई 10-12 आर्मर अपग्रेड कर लूँ फुल भाई मैक्स डिरवी को। चेस्ट पीस अपना भाई असेंटेड वाला बन चुका है, एंड हाथ असेंटेड वाला बनना बाकी है। सब कुछ असेंटेड वाला बन चुका है, पूरा असेंटेड वाला आर्मर लेके तुम्हारा भाई जाने वाला है अभी भाई यहाँ पे फाइट लेने के लिए ज़ॉम्बीज़ से भाई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर जेड होने वाले है अभी भाई। मेरे को वहाँ से प्लांट एग्स की जो भाई सीड है ना गाइज, वो किसी भी कीमत पे लेके आनी है, मतलब आनी है गाइज, ठीक है। और शॉटगन क्या मो, शॉटगन के बिना भाई अपन कुछ ना कर पाएंगे वहाँ पे, अपने फुल टू बैंड बच जाएगी। 200 एमो टोटल जो ना गाइज शॉटगन की गाइज मेरे पास है भाई। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, एक किर 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 करते रहेगा गाइज। टर्न ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ भाई, ठीक है चलो डन, लेट्स गो। अभी चलते गाइज अपन डायरेक्टली जो ना गाइज ये करता रहेगा थोड़े टाइम तक, थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा गाइज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीढ़ी को लेकर मेरे को स्वाम बाय में जाना है, और वहाँ पे क्या हुआ, 5,000 मेटल है क्या मेरे इन्वेंट्री में, तभी इतना ज़्यादा ओवरवेट हो गया क्या। 5,000 मेटल पड़ा हुआ गाइज मेरे इन्वेंट्री में, ये हाइड भी डाल दे इसके अंदर। चलो गैसोलिन बिजुलिन रख लेता हूँ गाइज। वहाँ पे पता नहीं गाइज वो सॉम्प वाले जो ज़ॉम्बीज़ है ना गाइज, उनको मारने से मेरे को क्या मिलेगा। वैसे वहाँ पे जो ना गाइज हजारों के तादाद में ज़ॉम्बी है, हजारों के, मजाक नहीं कर रहा गाइज, उस सॉम्प में हजारों के तादाद में ज़ॉम्बीज़ है, और उनसे मेरे को जो ना गाइज बचते बचाते या फिर फाइट करते कराते मेरे को किसी भी कीमत पे प्लांट एग्स की जो सीड है ना गाइज वो लेके आनी है। और वो सीड सिर्फ मिलती है सॉम्प बायोम में, उसके अलावा किसी और बायोम में नहीं मिलती है। आ जाओ चलो अपन जो ना गाइज सॉम्प के बाहर ही जो ना गाइज यहाँ पे लैंड करेंगे, और थोड़ा सा जो ना गाइज इंटरेस्टिंग और एकदम टफ बनाने के लिए, चैलेंजिंग बनाने के लिए अपन जो ना गाइज विदाउट पीडी के सॉम्प बायोम में घुसने वाले हैं। चला जा भाई अपना सफर, ये पता आजा बेटा, छोड़ दे मेरे को इधर ही आना भाई। डरते क्या भेज के, एंटीडोट, एंटीडोट भी लेके आया हूँ, 3 एंटीडोट बचे हुए हैं गाइज, बाकी सारे एंटीडोट स्पॉइल हो चुके हैं गाइज। चलो लेट्स गो भाई, 6 गोलियां जो ना गाइज लोड कर रखी है मैंने। सामने की तरफ मेरे को भाई अपना पहला टारगेट जो ना गाइज वो दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। अभी देखना ज़ॉम्बीज की ऐसे बैठ बजाता हूँ, कौन पे लौंडे कैमरे पक बेस किया किया, और इनको लूटने से भी मेरे को काफी, अरे 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 शॉटगन की गोलियां तो भरने दे, बग बेस किया किया। किसको आना है और किसको आना है, हाँ तुम कौन है अंकल, तुम कौन है, बग बेस किया मम्मी के बच्चे, आओ आओ झुंड में आओ झुंड में, पट पट से भाई, 2 को 3 को ले बेटा, पट से चल 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 पट से। और किसको, अरे अनाकोंडा नहीं, अनाकोंडा नहीं, अनाकोंडा नहीं, बताया अनाकोंडा क्यों नहीं है, ये बेहोश कर डालेगा बेस क्या, संभल के गाइस, अनाकोंडा से पंगा नहीं गाइस, ठीक है, वो बेहोश कर डालेगा। मेरा खाना पानी लेके चला गया, ओह फाइनल वाला था, बाल बाल बच गया भाई। एक मिनट रुक जाओ, वो कहाँ पे, अबे रिलोड मार, वो चोर कहाँ पे भग गया भाई, इसके आग खाना पीने का सामान लेके भग गया भाई चोर। वो एपीएम के वाला पोजीशन नहीं बना सकता ना, नहीं बना पाऊंगा, वेट अ मिनट गाइस, ज़ॉम्बी से एकदम खतरनाक वाली फाइट हुई यार, मजा आ गया, लेकिन मजा आ गया। चलो रुक जाओ, मेरे को सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा करने दो, खाने पीने का थोड़ा सामान चाहिए होगा मेरे को। अबे चोर के बच्चे मन के सच्चे, रुक जा इधर आ, तू ही लेके गया था ना, तेरे फट गए कच्चे बेच के, निकल लाड़ में आ रहा है भाई। आ जाओ एफएम के वाला, मेरे को हीलिंग पोशन और वो पोशन चाहिए होगा गाइज, बस इनफ है, इनफ है इतना, और हीलिंग पोशन बना ले बाकी का, हीलिंग पोशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे डाल शॉटगन, यहाँ पे डाल, ठीक है डन, रेल्स गो। शॉटगन जो ना गाइज वो यहाँ पे भाई फुल टू रिलोड मार के जा रहे हैं अपन। इन ज़ॉम्बीज़ के पास क्या मिल रहा है, ब्रेन। ये मच्छरों की आवाज़ सड़ी हुई बॉडी पे कैसे मच्छर कर देना, वैसे मच्छर कर रहे, देखो भाई ऐसे मक्खियों की आवाज़ आ रही है भाई इनके बॉडी से। लेजर एंटीडोट पी लिया क्या, ओ मैंने लेजर एंटीडोट पी लिया गाइज, मैंने लेजर एंटीडोट गलती से पी लिया यार। चलो कोई ना भाई, खाना पीना ये ले बेटा, चल चले खाना पीना है भाई सब कुछ। अरे बाप रे भाई साहब, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट नामुमकिन नहीं गाइज। ज़ॉम्बी किलर रोबो को मैं वैसे, अबे कहाँ से, वैसे एंटीडोट मैंने पिया हुआ है तो मेरे को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अबे लोडिंग रिलोडिंग भेज के आग, संभल के भाई, ये चैलेंज लिया तुम्हारे भाई ने गाइस जी के पकड़ के, चले चैलेंज है और वो मेरे को किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना है। लोंडे कल आना, कल 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 कल, मेरे से पंगा नहीं गोलू बेटा, मेरे से पंगा नहीं, निकल भेज के आग, मेरे से पंगा नहीं भाई, सबकी बैट बजा डालूंगा, स्वाम का नया किंग तुम्हारा भाई रहेगा। आ जाऊँ, आ जाओ भेज के आग भाई, देखता है ये बाप रे, अरे भाई यक,
ची भाई भाई या का भाई क्या है वो? गाइस रुक जाओ, प्लान बी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, रुक जाओ भाई। यार इतने सारे ज़ॉम्बी जिंदगी में नहीं देखे मैंने भाई। कम ऑन, वेर इज द कम ऑन, आ जा। एमुनेशन फ्लेम थ्रोअर, लेट्स गो ब्रो, टाइम टू गो ब्रो। अरे बैठना भाई, क्या अंकल बैठ जा। ए तुम बेस वाले ज़ॉम्बी रुको भाई, ज़्यादा एमो लेके नहीं जा रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से इतना एमो इनफ रहेगा गाइस। चला जा भाई, चला जा कंट्रोल। हैव अ नाइस डे, अभी ज़ॉम्बीज की देखना कैसे हैव अ नाइस डे निकालता भाई मेरे को। लुको, जला चबल करो। कौन भाई ए? क्या हलवा समझे हो का है? फ्लावर समझे हो क्या मेरे को? फायर है अपन गाइज, शॉटगन से नहीं हो पाता गाइज। खास करके मैं ज़ॉम्बीज को मार लो, बट वो जो भाई वो छोटे छोटे से कीड़े जो आते हैं ना गाइज, दिमाग का दही कर देते भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो। आर वो पावर मोड पे चल, पावर मोड चल। आर डाउन कर पहले, पावर मोड फुल बूस्ट मोड पे चलेगा, ठीक है। एंड अभी क्यू हटा, चल आ जा भाई। यस ऑल राइट, आ जाओ। सबकी बैंड बजाएगा भाई, मैं सबकी बैंड बजाएगा भेज के। आन दो सबको। अभी क्या हुआ, अटक गया क्या? इनकी डेड बॉडीज में अटक गया लग रहा है। मैं साइड से निकल लेता हूँ भाई, साइड से निकल लेता हूँ। ये देखो तो गाइस, ये पैरासाइट जो है ना गाइस, ये बाप रे कितने निकल रहे हैं, कितने सारे पैरासाइट, बाप रे जी। यक भाई, अबे यार ये क्या देखने को मिल रहा है? कम ऑन, कोई ना गाइस, योगा से होगा, टेंशन नहीं लेने का। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे एमो खत्म ना हो भाई। इतने सारे ज़ॉम्बीज को पेलाया ना मैंने यहाँ पे भाई, क्या बताऊँ गाइस आपको, बहुत सारे ज़ॉम्बीज को पेलाया, और जो ज़ॉम्बीज को पेलाया उनको मैं पिरानास खाए जा रही है भाई। चल आगे चल, स्पाइकला चालू कर। मेरे को पता नहीं गाइस कहाँ पे क्या मिलेगा, और ये घने जंगल में, अरे बाप रे भाई, हर तरफ बस ज़ॉम्बी है भाई, हर तरफ बस ज़ॉम्बी है। वाओ, कम ऑन ड्यूड, भाई साहब एमो भाई, पता नहीं गाइस कितने टाइम तक टिकेगी भाई। नाइस वन, पैरासाइट से बच गए बेटा, पैरासाइट से बच गए। यहाँ पे प्लांट एग्स कहाँ पे, जल्दी मिल जाए भाई प्लांट एग्स। पीछे से भी आ रहे भाई, हर तरफ से हर एंगल से आ रहे गाइस ये लोग, कहाँ पे मारू भाई समझ ना आ रहा। मैं बस कंटिन्यूस मारे जा रहा हूँ अपना पैर वाला टैग, देखो भाई हर कोने में से दौड़ दौड़ के आ रहे ये लोग, संभल के। ये देखो भाई, अभी तो मारा था मैंने इधर, शिट भाई मेरे एमो पता नहीं कितने टाइम तक टिकी रहेगी गाइस यहाँ पे, पता नहीं गाइस कितने टाइम तक अपनी एमो टिकी रहेगी गाइस। मैं जितना हो सके उतने भाई ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अबे यार व्हाट द, ए मेरे को पूरा क्या, पूरा प्लांट एग्स, पूरा गाइस प्लांट एग्स। कैप्रो भाई, कैप्रो से बच के थोड़ा सा, ये सारे ज़ॉम्बी को क्लियर कर लो, मेरे को प्लांट एग्स मिल चुका है। बट ज़ॉम्बीज की बरसात पे बरसात हुई जा रही है भाई यहाँ पे, कहाँ से आ रही इतने सारे ज़ॉम्बीज भाई इस बाइम में? संभल के क्लियर, क्या ना, ऑल नॉट क्लियर भाई, संभल के। कैप्रो भी पूरा भाई, पता नहीं है कहाँ से आए जा रहा है भाई ये म्यूटेशन। कैप्रो को मार। What the? नहीं अबे तेरी भेज क्या, अरे क्या भेजी, भाग भेज क्या, कौन ये क्या है भाई, शिट मर गए क्या सब? कैप्रो ने डायरेक्टली, अबे नहीं जल्दी राइड कर। What the? नाइस वन। अबे वेपन सिस्टम एक्टिवेट होने में टाइम लग जाता है, वेपन सिस्टम, रुक जाओ, हो गया वेपन सिस्टम एक्टिव, कम ऑन नाइस, हाँ हो गया एक्टिव। ओबे भाई यार स्वाम बार में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है यार, मर भी नहीं रहा है ज़ॉम्बी भेज के आग, ऐसे ज़ॉम्बी मर भी नहीं रहे यार। मार दे, भाई बार बार यहाँ पे आए जा रहे गाइस, मेरे को समझ ना आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या गाइस। मेरे को जो चीज चाहिए वो उठा के कल्टी मार लेता हूँ सीधा भेज के आग। पाव, कम ऑन भाई, ये किससे मिलते, सिकल से मिलेगी क्या, आई डोंट नो, रुक जा इससे निकाल के देखता हूँ। हाँ भाई सिकल से मिलता है भाई, ठीक है 1400 सीट मिल चुकी है, इसकी जरूरत भी नहीं थी। अबे यार ये लोंडे को तो शॉटगन से उड़ा डालूंगा मैं। चलो गाइस अपना काम हो चुका है, अभी अपन कल्टी मारेंगे सीधा भाई, सीधा कल्टी मारेंगे।
चलो भाई स्वाम भाई, मैं एक सेकेंड और रुकना नहीं चाहता गाइज। यहाँ पे जो ना जितने सारे ज़ॉम्बीज़ है ना गाइस, जितने सारे ज़ॉम्बीज़ है भाई, क्या बताऊँ आपको भाई, हर तरफ से भाई ज़ॉम्बी लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। और मैं एंटीडोट जो ना गाइस तीनों के तीनों पी गया गलती से गाइस। यहाँ पे भाई तीनों के तीनों एंटीडोट पी गया। अभी मेरे पास जीरो एंटीडोट बचे, मेरे को एंटीडोट वापस से बनाने पड़ेंगे। उनके बॉडी में लूट काफी खतरनाक वाली मिलती, बट वो भी अपन ने नहीं लूटा। लेकिन मजा आया यार, एमो कितनी खत्म हुई, बाप रे एमो तो काफी ज्यादा खत्म हो गई शायद। वैसे उतनी भी ज्यादा खत्म नहीं हुई यार एमो, एमो तो काफी सारी बची हुई है। और इसके अंदर भाई ये कहाँ से आ गया, ये ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था, इसके अंदर इन्वेंटरी में ऐड हो रही थी। वाह, इसके इन्वेंटरी में चीज़ें ऐड हो रही थी भाई। मजा आ गया गाइज, मजा आ गया भाई, ज़ॉम्बीज़ को फेल करना मजा आ गया। वैसे मैं लाड़ने गया था शॉटगन लेके, बट शॉटगन से जो ना ज़ॉम्बीज़ को फेलना काफ़ी मुश्किल है। जब भाई ज़ॉम्बी इतने ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में आते हैं ना, तो ना शॉटगन से हो ना पाएगा, ना ही मेरा अजेंटेड वाला जो भाई आर्मर है ना गाइज वो मेरे को बचा पाएगा। इसलिए मैंने जो ना गाइज मेक रोबोट को बुलाया और उससे अपना काम बन गया। अभी अपन को जो ना गाइज डंक बीटल एक चाहिए होगा यार। डंक बीटल कहाँ से मिलेगा, डंक बीटल मिलेगा मेरे को क्यू में भाई, मेरे को क्यू करनी पड़ेगी लग रहा है गाइज। वैसे मेरे को बॉस फाइट करने के लिए भी वैसे ही क्यू करनी है, तो मैं क्यों ना भाई क्यू कर लूँ गाइज। वैसे अगर मेरे को पॉडी मिल जाती है बड़ी किसी डायनो की, तो एक ही पटके में मैं जो ना गाइज यहाँ पे टेम कर लूँ गाइज उस डायनो को, डंक बीटल को। उससे मेरे को फर्टिलाइजर मिलेगा, जिससे भाई अपने जो प्लांट एग्स है ना गाइज वो एकदम फुल्ली यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। मैं प्लांट एग्स जो ना गाइज कहाँ लगाऊंगा बताया गया गाइज, क्रॉपलॉट में पानी डालने का एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा गाइज। वेट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है। इफ अगर मैं यहाँ पे क्रॉपलॉट लगाता हूँ, समझ लो ये मेरा क्रॉपलॉट है भाई, ठीक है, इसके अंदर पानी होगा जीरो भाई, ये क्रॉपलॉट के अंदर वाटर है जीरो। एंड मैं अभी वाटर बैग बना लेता हूँ एक ही अपना, ठीक है, नॉर्मल सा। एंड इसके अंदर अगर पानी भर के लेके आता हूँ, तो क्या मैं अपने क्रॉपलॉट के अंदर पानी ऐड कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ उससे, ज़रा ट्राई मार लेते चला जाओ। अगर ऐसा हो सकता है तो हम कहीं पे भी अपने पौधे लगा सकते हैं। पानी हो गया, अरे खतरनाक भाई, बताओ कहाँ पे भाई लगाना है मेरे को अभी भाई। भाई मैं जो ना गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस कहाँ कहाँ लगाऊंगा भाई, ठीक है। यहाँ से बाहर बाहर साइड पिल्लर निकाल के ना, थोड़ा सा ज़्यादा दूरी नहीं भाई, तुझे ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना उस हाइट पे इधर एक लगाऊंगा, इस तरफ एक लगाऊंगा, पीछे साइड एक लगाऊंगा, हर तरफ भाई क्रॉपलॉट ही क्रॉपलॉट लगा डालूंगा भाई। मजा आ जाएगा गाइस, मजा आ जाएगा। ये ज़ॉम्बी लोग जो ना गाइस अभी अपने बेच के आजू बाजू भी बिड़ नहीं पाएंगे। मैं भाई वो लगा के रख देता, रुक जाओ पिल्लर, फिर भी कहो भाई पिल्लर भाई 10 बना डाल, 10 पिल्लर बना डाल भाई, खतरनाक 10 पिल्लर बना डाले। एंड 10 पिल्लर में से एक इधर, इतना हाइट पे इनफ रहेगा ना गाइज, क्या बोलते हो, नहीं ज़ॉम्बीज एक्सेस कर पाएंगे। कौन है भाई बदतमीज, एक इधर भाई, या भाई ज़ॉम्बी एक्सेस कर पाएंगे भाई। हाइट इतनी होनी चाहिए कि ज़ॉम्बी एक्सेस ना कर पाएगा उसको, ठीक है। इतना एक इधर, एक उसके बाद इधर एक, ऑल राइट, क्रॉपलॉट ऐसे थोड़ा बार बार लगा डालेंगे अपन। इधर एक पिल्लर खत्म हो गया भाई, ठीक है, पिल्लर और बना दो मेरे को, पिल्लर और भाई 30 बना लेता हूँ भाई, ठीक है, ज़रूरत तो नहीं लेकिन बना के रख देता हूँ। कल आना बेटा, कल आना, चल निकल भाई, निकल ले भाई। एक तो इतने स्लो होते हैं ज़ॉम्बीज, उन मेरे से पंगा लेने के लिए आ रहे गाइस, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पिल्लर लगा रखे ना गाइस, वहाँ वहाँ पे अपन भाई वो क्रॉपलॉट लगा डालेंगे और प्लांट एग्स जो है ना गाइस वो भी लगा डालेंगे गाइस, ठीक है। घर के सामने 2 लगा डालूंगा, ठीक है, मेन गेट के सामने भाई, ठीक है। इनके ऊपर मेरे को सीलिंग लगाने, और सीलिंग के ऊपर जो ना गाइस वो प्लांट एग्स वाले जो प्लांट है ना गाइस वो लगा डालूंगा मैं, उनकी सीड भी डाल दूंगा। बट उसके लिए मेरे को डंपिंग बीटल टेम करना पड़ेगा। और अगले एपिसोड में अपन क्यू में जाने वाले, अगर क्यू के अंदर भी ज़ॉम्बीज हुए तो बैड बच जाएगी गाइज, तो फुल टू बैड बच जाएगी। लेकिन अगले एपिसोड में तुम्हारा भाई केव करने वाला है, और केव के अंदर जो ना गाइज फुल टू भाई सब तबाही मचाने वाले। तो अगला एपिसोड बिल्कुल भाई देखना नहीं भूलना। आज का एपिसोड मेरे को बताया गाइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा एपिसोड था, बट हमारा मिशन जो था वो था गाइज स्वाम बायम से जो ना गाइज प्लांट एक्स या प्लांट वाइज को क्या बोलते हैं, प्लांट एग्स की सीड लेके आना, और अपन जो ना गाइस यहाँ पे स्वाम बायोम से भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार के जो ना गाइस प्लांट एग्स की जो सीड है वो लेके आने में यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके। तो अपना मिशन जो ना गाइस वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अभी अगले एपिसोड में तुम्हारा भाई जो ना गाइस जाएगा भाई केव करने के लिए ज़ॉम्बी वर्ल्ड में, और गाइस पहली बार अपन ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जो ना गाइस केव करने वाले। पता नहीं गाइस वहाँ पे उस केव के अंदर ज़ॉम्बीज होंगे क्या होंगे, किस भाई डायनो से या किस ज़ॉम्बी से सामना होगा वहाँ पे, ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं। वो सब कुछ आपको पता चलेगा गाइस अगले एपिसोड में
ज़ॉम्बी वर्ल्ड के। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड भी खत्म होता है, मिलता है अगले एपिसोड में। जाते जाते गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एंड के चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उनके चैनल को चेकआउट नहीं करा तो जाकर फटाक से चेकआउट कर लेना। तो चले भाई लोग, मिलता है सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। And how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.